मैं पहाड़ी में बोल लूं, तुमने पहाड़ी में जवाब दिया। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे मामा की शादी है, तो शादी के कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत होती है स्माल पथाई से। आज की वीडियो में पहाड़ी शब्दों का भी इस्तेमाल होगा, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को समझ ना आए, पर कोई बात नहीं, आप लोग भाषा पर नहीं भावनाओं पर जाइएगा। और स्माल पथाई क्यों मनाई जाती है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि घर में क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे पीछे से ही शुरुआत करते हैं, यहाँ पर समधी समधन बनाए जा रहे हैं। मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ इतने ध्यान से, अगर मैंने किसी और की शादी में देखा भी होगा तो इतना याद वाद नहीं है मेरे को। और अभी बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, पता है, इतने अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग किचन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हाँ मम्मी अकेले अकेले लगी हुई है, घर पर भी लगी रहती है और यहाँ पर भी। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम की तरह स्वाल पुथाई की शुरुआत भी गणेश वंदना से ही होती है। आटे से गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है। ये जो आटे से पूड़ी की शक्ल की चीज बनाई जा रही है इसी को स्वाल कहते हैं, और इसमें फिर पिठा यानी कुमकुम लगाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, इसे ही पुथाई कहते हैं, यानी दोनों मिलकर स्वाल पुथाई हो गए। इस दौरान जो लड्डू यानी मोदक बनाए जाते हैं उन्हें तला जाता है, लेकिन तेल में नहीं बल्कि घी में। स्वाल पथाई में जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो अभी तैयार हो रही हैं और अभी यहाँ पर सब उन्हें तल रहे हैं। चलिए आगे चल के देखते हैं क्या क्या बन रहा है। ये देखिए, ये है मोदक, इसके भी दो शेप है, एक ऐसा और एक ये गोल गोल सा। और उसके बाद अभी यहाँ पर ये बन रहे गुजिया। गुजिया तो मैंने होली पे ही खाई है, पता नहीं था मुझे कि ऐसे भी मौके पर बनती हैं ये। और उसके बाद ये गणेश जी, एक यहाँ पर है बड़े से और एक वहाँ पे छोटे से, अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पर भी है गणेश जी। और उसके बाद यहाँ पर स्वाल, ये देखिए पूड़ी जैसे लग रहे हैं। और ये इससे बनेंगे समधी समधन, इसमें गुड़ है, हाँ पान के पत्ते भी बनाए गए हैं देखिए। सुवाल पुथाई रसम की एक और खासियत होती है समधी और समधन को बनाया जाना। सुवाल पुथाई दोनों तरफ होती है, यानी वर पक्ष के यहाँ भी और वधु पक्ष के यहाँ भी सुवाल पुथाई की रसम निभाई जाती है। ये जो समधी समधन बनाए जा रहे हैं फिर उन्हें एक्सचेंज किया जाएगा, यानी लड़के वाले अपने यहाँ सुवाल पुथाई के दौरान बनाए गए समधी समधन लड़की वालों को देते हैं और लड़की वाले भी ऐसा ही करते हैं। आप लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है ना कि मैं पहाड़ी में नहीं बोलती, तो आज मैं पहाड़ी बोलने का ट्राई करूंगी। मैं पहाड़ी में बोल लूं, तुमने पहाड़ी में जवाब दिया। तो एक हूं और की करना और योगी मामा के ब्याह हो जा और वहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना चाहिए ब्योली घर पहली सॉल बताई वे और सॉल बताई वे फिर संदासन दिया और वहाँ जाला तो ये मामा को उठ बिया था और बोला आज मेहंदी वे और बहुत बढ़िया था। शादी वाला घर है तो हर तरफ हलचल है, यहाँ मेहंदी लग रही है, वहाँ डांस की प्रैक्टिस चल रही है, संगीत समारोह हल्द्वानी के होटल में होने वाला है, असली धमाल तो वहाँ होगा, यहाँ तो सिर्फ रिहर्सल हो रही है। देखते हैं वहाँ किसका डांस का जलवा दिखता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा।